हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सिक्सथ इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अपैक्ट विद द सन का लेसन थ्री द शेफार्ड्स ट्रीजर इस वीडियो में हम लेसन की समरी टेक्सटल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे पिछली वीडियो में मैंने लेसन टू द फ्रेंडली मैंगूज करवाया था अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैंने अपने चैनल की प्ले में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पाठ की समरी करेंगे Once a poor shepherd lived in a village in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. Many people come to him for advice, so he became very famous for his wisdom and friendly nature. One day, the king of the country also went to meet him. He was disguised as a shepherd and a riding a mule. The shepherd looked him into his cave and served him with food and water. The king was greatly impressed by his hospitality and wise conversation. Next morning, when the king was about to leave, he thanked the shepherd for his kindness. The shepherd recognized the king. He thanked the king for praying him the compliment of a visit. The king was surprised as well as pleased. He appointed the humble shepherd. To governor of a small district. The shepherd remained as humble as ever. His fame as a fair and wise governor soon spread through the country. This made the other governors jealous of him. They began to poison the king's ears against him. They told the king that the shepherd kept for himself part of money that he collected as tax. He kept his share in an iron chest that he always carried with him. The king was fed up with the stories about the new governor's dishonesty, so the governor was called to be the palace. He come with his iron chest riding his camel. Everyone as delighted to see the iron chest. They thought the new governor was sure to be found out, but to their surprise only an old blanket was found in the chest.

फर्स्ट ही वॉज़ वेरी पुअर सेकेंड देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज थर्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज चूज़ द राइट आंसर इसका आंसर है दे वर वेरी फ्यू स्कूल चरवाहा स्कूल नहीं गया क्योंकि फर्स्ट वह बड़ा निर्धन था सेकेंड उन दिनों स्कूल बहुत कम थे थर्ड उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी इसका आंसर है दे आर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज उन दिनों स्कूल बहुत कम थे क्वेश्चन टू हु विजिटेड द सेफर्ड्स वन डे एंड वाई चरवाहे के पास एक दिन कौन गया और क्यों इसका आंसर है द किंग विजिटेड दैफर्ड वन डे ही वॉन्टेड टू टेस्ट द्रुत्थ ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिज विजम एक दिन राजा चरवाहे के पास गया वह उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियों की सच्चाई को परखना चाहता था क्वेश्चन थ्री वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफार्ड अन्य गवर्नर चरवाहे से ईर्षक क्यों करने लगे थे इसका उत्तर है द फेम ऑफ द शेफार्ड एज अ फेयर एंड वाइस गवर्नर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री दिस मेड द अदर गवर्नर्स जेलस ऑफ हिम एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में चरवाहे की ख्याति सारे देश में फैल गई इस बात से अन्य गवर्नरों को उसके प्रति ईर्ष्यालु बना दिया क्वेश्चन फोर वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया इसका आंसर है द किंग वॉज फेड विद द स्टोरीज अबाउट द न्यू गवर्नर्स डिसऑनेस्टी सो ही वॉज कॉल्ड टू द पैलेस राजा नए गवर्नर की बेईमानी की कहानियों से तंग आ गया था इसलिए उसने उसे महल बुलाया क्वेश्चन फाइव वाई वॉज एवरी वन डिलइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑफ द कैमल्स बैक हर कोई ऊंट की पीठ पर रखी लोहे की पेटी देखकर क्यों प्रसन्न हो उठा इसका आंसर है एवरी वन वॉज डिलईटेड बिकॉज दे थाट द न्यू गवर्नर वॉज श्योर टू बी फाउंड आउट हर कोई प्रसन्न हो उठा क्योंकि उन्होंने सोचा कि नए गवर्नर की चोरी अवश्य ही पकड़ी जाएगी क्वेश्चन सिक्स फर्स्ट वट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन लोहे की पेटी में क्या रखा था सेकेंड वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट चरवाह इसे हर समय अपने साथ क्यों रखता था थर्ड इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ क्या यह चरवाही की विनर्मता अथवा बुद्धिमता अथवा दोनों का उदाहरण है इसका आंसर है फर्स्ट द आयरन चेस्ट कंटेन्स एन ओल्ड ब्लैंकेट लोहे की पेटी में एक पुराना कम्बल रखा था सेकेंड द शैफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओनली ट्रेजर इट वुड प्रोटेक्ट हिम चरवाहा इसे हर समय अपने साथ इसलिए रखता था क्योंकि यही उसकी एकमात्र खजाना था यदि उसकी शाही वेशभूषा छिन जाती तो यही उसकी रक्षा करता थर्ड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम बोथ यह चरवाहे की विनम्रता और बुद्धिमता दोनों का उदाहरण है क्वेश्चन सेवन हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर राजा ने नए गवर्नर को कैसे पुरस्कृत किया इसका आंसर है द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट राजा ने उसे पहले से भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया अब हम करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट पीपल लव द ऑनर्ड द शेफर्ड फॉर हिज डैश ऑप्शन ए विजडम ऑप्शन बी सिंपति ऑप्शन सी गुडनेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन टू द शेफर्ड डिड नॉट हैव इवन अ डैश ऑफ हिज ओन ऑप्शन ए स्मॉल कॉटेज ऑप्शन बी स्मॉल पीस ऑफ हैंड ऑप्शन सी बेड ऑप्शन डी क्लोथ्स इसका आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल कॉटेज क्वेश्चन थ्री ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड डैश ऑप्शन ए ट्रबल्स ऑप्शन बी प्रॉब्लम्स ऑप्शन सी फीलिंग ऑप्शन डी एक्सपीरियंस इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रबल क्वेश्चन फोर्थ थो पुअर एंड अनएजुकेटेड ऑप्शन ए वेरी एजुकेटेड ऑप्शन बी वेरी फुलिश ऑप्शन सी वेरी ऑप्शन डी वेरी कनिंग इसका आंसर है ऑप्शन सी वेरी वाइस क्वेश्चन फाइव द पुअर शेफर्ड लिव इन अ विलेज इन डैश ऑप्शन ए जापान ऑप्शन बी इराक ऑप्शन सी ईरान ऑप्शन डी चाइना इसका आंसर है ऑप्शन सी ईरान क्वेश्चन सिक्स हु केम टू हिम फॉर एडवाइस ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑप्शन बी कोटरीज ऑप्शन सी मैनी पीपल ऑप्शन डी मैनी शेफर्ड इसका आंसर है ऑप्शन सी मैनी पीपल क्वेश्चन सेवन द किंग वॉन्टेड टू टेस्ट द ट्रुथ ऑफ द स्टोरीज अबाउट डैश ऑप्शन ए द शेफार्ड विस्टम ऑप्शन बी द दशार्ड्स फुलिशनेस ऑप्शन सी द शेफार्ड्स कनिंगनेस ऑप्शन डी द शेफार्ड्स क्लेवरनेस इसका आंसर है ऑप्शन ए द दशेफार्ड विस्टम क्वेश्चन एट द ओनली ट्रीजर ऑफ द दर्ट्स वॉज डैश ऑप्शन ए अ प्रीवियस ब्लैंकेट ऑप्शन बी एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट ऑप्शन सी अ ब्यूटीफुल ब्लैंकेट ऑप्शन डी अ कलरफुल ब्लैंकेट इसका आंसर है ऑप्शन बी एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्वेश्चन नाइन द न्यू गवर्नर आस्क योर हिज सर्वेंट टू ब्रिंग डैश ऑप्शन ए द अलमीरा ऑप्शन बी द म्यूल ऑप्शन सी द चेस्ट ऑप्शन डी हिज बैग इसका आंसर है ऑप्शन सी द चेस्ट क्वेश्चन टेन हु डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज एन शेफार्ड ऑप्शन ए द पुअर शेफार्ड ऑप्शन बी द किंग ऑप्शन सी द शेफार्ड बॉय ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर है ऑप्शन बी द किंग क्वेश्चन इलेवन द शेफार्ड वॉज काइंड टू डैश ऑप्शन ए द रिच ऑप्शन बी द पुअर ऑप्शन सी हिज मास्टर ऑप्शन डी वन एंड ऑल इसका आंसर है ऑप्शन डी वन एंड ऑल क्वेश्चन ट्वेल्व हु रिकोनाइज द किंग ऑप्शन ए गवर्नर ऑप्शन बी द अदर किंग ऑप्शन सी द पुअर शेफर्ड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर है ऑप्शन सी द पुअर शेफर्ड क्वेश्चन थर्टीन द शेफर्ड टुक द टायर्ड ट्रेवल डैश ऑप्शन ए फॉर अ थीफ ऑप्शन बी फॉर अ रिच मैन ऑप्शन सी इनसाइड द केव ऑप्शन डी इनसाइड हिज हट इसका आंसर है ऑप्शन सी इनसाइड द केव क्वेश्चन फोर्टीन द न्यू गवर्नर केम टू द किंग्स पैलेस राइडिंग ऑन डैश ऑप्शन ए हिज कैमल ऑप्शन बी हिज म्यूल ऑप्शन सी हिज हॉर्स ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर है ऑप्शन ए हिज कैमल तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है अगली वीडियो में हम करेंगे लेसन फोर तानसेन आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू